यार इवन दो अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, बट दारू आपको यहाँ पे भर के नहीं, यहाँ पे 200 रुपये पर किलो। ओह बहुत महंगा हुआ यार ये तो। भाई लोग और उनकी बहनों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूँ बाकू सिटी में और मेरा आखिरी दिन है भाई यहाँ पे। सोचा भाई हाउ एक्सपेंसिव इज़ बाकू, पैसा कितना लगता है बाकू में, इसकी वीडियो बनाए क्योंकि और कुछ था नहीं बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं भाई। तो यार ये हाउ एक्सपेंसिव वीडियो को ना मैं कुछ भागों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला भाग भाई पैसे, और पैसे यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको भाई? पैसे तो आपके बैंक में होने चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। यहाँ पे कैसे मिलेंगे भाई? आप एक तो विड्रॉ कर सकते हो। मैंने एटीएम से विड्रॉ करे थे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे था बैंक प्रीमियम बैंक, और उसने मेरे को अच्छी मतलब ठीक चार्ज करा, ठीक रेट चार्ज करा। अभी अजरबैजानी मन्नत एक मन्नत है करीबन 4.8 रुपीज़ का। तो मैंने 100 के करीब विड्रॉ करे थे और मेरा उसमें ऑलमोस्ट पूरा ट्रिप निकल गया। मैं से 5 दिन के लिए था बाकू में। तो आप विड्रॉ कर सकते हो और एक्सचेंज भी करा सकते हो। एक्सचेंज प्रेफरेबली आपके पास डॉलर्स हो या यूरोज हो। तो ये तो हो गई बात पैसे की। दूसरी बात भाई अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन कितना महंगा है बाकू में? बाकू में यार अकोमोडेशन काफ़ी अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से। मैं 5 दिन हॉस्टल में रहा था और उसके मैंने करीबन 400 रुपये पर डे के हिसाब से पे करे, तो करीबन 2000 रुपये इन 5 डेज। अगर आप होटल भी लेते हो, यहाँ पे 3 या 4 स्टार होटल आपको मिल जाएगा आराम से 2000 से 2500 के बीच में, और अच्छा होटल मिल जाएगा। मैंने भी सोचा था कि मैं होटल लूँगा, बट उसके बाद मैंने सोचा भाई थोड़ी चिंदीगिरी करते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि 3 महीने के ट्रिप पे था यार, काफ़ी खर्चा हो गया मेरा। तो बाकी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। लगता है भाई ट्रेन स्टेशन है ये बाकू का, यहाँ से ना। हालांकि मैं तो अजरबैजान में ट्रैवल कर नहीं पाया क्योंकि यार यहाँ पे बारिश हो रही थी 1-2 दिन से, और प्लस यार मैं ऑलमोस्ट 100 दिन से घूम रहा हूँ, मतलब 100 दिन क्या कह रहा हूँ, 3 महीने से घूम रहा हूँ, तो मैं काफ़ी थक गया था। तो यार मेरे को ना एक मेंटल ब्रेक की ज़रूरत थी, और वैसे भी मैं घर जा रहा हूँ 1-2 दिन में, तो मैंने सोचा यार आराम करके चलते हैं, घर जाके अलग काम होते हैं। एनीवेज आपको बता रहा था यार ट्रांसपोर्ट के लिए, यार मेरे को बाकू के बाहर का ट्रांसपोर्ट नहीं पता। हालांकि यहाँ पे बाकू इंटरनेशनल बस स्टेशन है, वहाँ से आप भिन्न भिन्न जगहों के लिए अजरबैजान में बस ले सकते हो, और बसेस बहुत सस्ती आ रहे हैं यहाँ पे बसेस नहीं कहते, यहाँ पे माशरूतका कहते हैं। माशरूतका छोटी वाली मिनी बस होती है जो कॉकसिस वाले रीजन में और रशिया में भी और काफ़ी सारी एक्स सोवियत कंट्रीज़ में आपको मिल जाएंगी। और माशरूतका अगर आप 200-300 किलोमीटर जा रहे हो तो मेरे हिसाब से 5-10 मन्नत हो गए अपने 200 से 400 रुपये के बीच में आपको मिल जाएंगी। और इंटर सिटी ट्रांसपोर्टेशन भी बता देता हूँ, जैसे मैं एयरपोर्ट से आया था वापस, एयरपोर्ट से निज़ामी स्ट्रीट के पास मतलब सिटी सेंटर में मेरे पे करे थे 1.3 अजरबैजानी मन्नत, तो करीबन हो गए अपने 60-70 रुपये, तो काफ़ी अच्छा है भाई। उसमें कम से कम 15 किलोमीटर मैंने घूमा था। अजरबैजान अपने इंडियंस के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है भाई, आपको लगेगा कि अपने इंडिया वाले प्राइसेज ही हैं ऑलमोस्ट। सुपरमार्केट में भी इंडिया वाले प्राइसेज हैं, सुपरमार्केट का टूर मैं थोड़ी देर में दूंगा। उसके अलावा आप यहाँ पे मेट्रो यूज़ करते हो, जो मैंने 2-3 दिन पहले करी थी, उसके मैंने दिए थे 1 साइड के 0.30 मन्नत, तो करीबन हो गए 15 रुपये। तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी सस्ती है। तो मैंने अकोमोडेशन, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिए, खाने पीने और सुपरमार्केट का टूर मैं थोड़ी देर में देता हूँ। और यार एक और चीज़ बता दूं, अगर आप अजरबैजान आ रहे हो ना तो भाई समर के टाइम पे आओ, आजकल तो यार काफ़ी ठंड है यहाँ पे, मतलब मेरी कुल्फी जमी हुई है, तभी मेरा मन नहीं करा कहीं जाने का। नहीं तो यहाँ पे पहाड़ हैं और बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए, तो वो मैं सोच रहा हूँ मैं अगली बार जब अजरबैजान आऊँगा तो करूँगा। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पर ना मैंने ई वीज़ा लिया था। ई वीज़ा आपको मैं अजरबैजान की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ई वीज़ा ले सकते हो। आपको करीबन $30 का पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 2100-2200 रुपये का पड़ेगा। तो भाई वैसे तो आप गाड़ी भी रेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ तक मैंने पूछताछ करी ना
यहाँ पे आप गाड़ी रेंट कर सकते हो लगभग $15 से $20 पर डे के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस है। $15 से $20 हो गए अपने 1500 से 2000 रुपये पर डे। तो अगर आप हफ्ते के लिए रेंट करते हो और अगर आप 3 या 4 लोग हो तो मुश्किल से 2 या 3 हज़ार पड़ेगा आपको, काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। जो मैं कभी फ्यूचर में करूँ ना करूँ पता नहीं, बट इस ट्रिप पे तो मैंने कुछ नहीं करा। और ऐसी बसेज हैं यहाँ पे, लाल वाली बस। यहाँ पे ना एक बैंक की कार्ट आता है जो मैंने एयरपोर्ट पे ले लिया था, उसका प्राइस होता है 2000 बजानी मन्नत। और आप उस पर रिचार्ज कराते रहो जैसे आप दिल्ली मेट्रो वाला कार्ड होता है वो। बसेज में ट्रैम्स तो यहाँ पे नहीं है, बसेज और मेट्रोज में चलता है, सिर्फ बाकू सिटी में, सिर्फ बाकू सिटी में, और कहीं नहीं चलेगा। और ऐसे हैं बस स्टेशन यहाँ पे। यार यहाँ पे भी ना काफ़ी सोवियत कंट्रीज़ की तरह हर जगह बाज़ार होते हैं, तो देखते हैं बाज़ार में कैसा है हिसाब किताब। हालांकि यार बाज़ार में आप अपना कहते हैं ना मगजमारी या नेगोशिएटिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ यहाँ की लैंग्वेज ना तो वो समझेंगे ना आप उनको समझा पाओगे। तो चलते हैं भाई बाज़ार में, देखते हैं क्या है बाज़ार में। ऐसे मच्छी वच्छी है, फ्रूट्स हैं भाई, ये क्या है, शीप हेड और सब कुछ है भाई यहाँ पे। सब कुछ मीट वीट मिल जाता है, फ्रूट वूट्स मिल जाते हैं जिनका प्राइस मेरे को पता नहीं है। सब कुछ मिलता है यार यहाँ पे। ड्राई फ्रूट काफ़ी फेमस है अजरबैजान में, मिठाइयाँ विठाइयाँ चाय सब कुछ मिलता है। पोमेग्रेनेट बहुत फेमस है इन कंट्रीज़ में, ईरान में भी बहुत फेमस था, तो यहाँ पे मिलता है। बट यहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ आएगी बिल्कुल भी आपको। ये लो भाई फ्रूट। हेलो, ऐसा कुछ है भाई बाज़ार अजरबैजान में। यार यहाँ पे ना मैंने अपार्टमेंट के प्राइसेस महीने के हिसाब से भी पता करे थे, तो मेरे को लोगों ने बताया था कि भाई आपको यहाँ पे ना अपार्टमेंट काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, बाकू सिटी के अंदर ही आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। आप बाकू से बाहर जाओगे तो भाई आपको इंडिया की जो सेकेंड या थर्ड टीयर सिटीज़ हैं उससे भी कम प्राइस शायद मिल जाए। मेरे को यहाँ पे लोग बता रहे थे कि आपको $200 में 1 बेडरूम अपार्टमेंट विथ हॉल किचन सब कुछ मिल जाएगा, और वो इतना बड़ा होता है कि आप 2 या 3 लोग शेयर कर सकते हो। तो करीबन 3 या 4 हज़ार में आप बाकू सिटी में रह सकते हो अगर आप 2 या 3 दोस्त हो तो, जहाँ तक मेरे को बताया। यार अब मेरे को पता नहीं है कितना है, बट बिकॉज मैं हाउ एक्सपेंसिव वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई आके यहाँ पे रहना चाहता है या टेम्प्रेरी रेसिडेंस पे काम करना चाहता है तो कर सकते हो भाई। मैं ऐसे घूमने के पर्पस से आया हूँ, मेरे को कोई वर्क वीज़ा या उसके लिए क्वेश्चन मत करना भाई कि अजरबैजान का वर्क वीज़ा कैसे लेना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है वो। बट इंडियंस और पाकिस्तानी यहाँ पे काफ़ी आके रहते भी हैं, काम भी करते हैं, इलीगली भी रहते हैं, वो तो सब हर जगह ही है भाई, यहाँ पे भी है वो सेम हिसाब किताब। ये क्या देख रहा हूँ भाई, मोदी जी का यहाँ पे लाइटों का कारोबार है क्या? यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? यार ये है बाकू सिटी का ना वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस या फिर प्रोमिनेंट टूरिस्टिक साइट्स ऑफ बाकू, इसको कहते हैं हैदर अली सेंटर। ऐसा कुछ सा बना हुआ, बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा मॉडर्न सा बना हुआ है। हालांकि कुछ ही साल मतलब 20-30 साल पहले अजरबैजान सोवियत यूनियन के अंडर था, नाउ आफ्टर 1992 काफ़ी बदलाव आए भाई अजरबैजान में। यहाँ पे अजेरी लोग हैं और ये लोग काफ़ी तुर्की से काफ़ी पास हैं। रशिया और अजरबैजान की ठीक ठाक बनती है, रशिया की आर्मेनिया से भी बनती है, अजरबैजान से भी बनती है। ऑफकोर्स इन अजरबैजान आर्मेनिया को बिल्कुल ही दुश्मन, कट्टर दुश्मन मानते हैं यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस मानते हैं, हम शायद ना माने अलग बात है, बट यहाँ पे आर्मेनिया को काफ़ी कट्टर दुश्मन मानते हैं। बट इस जगह चलते हैं, इसको देखते हैं मास्क से। यार इवन दो
अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, बट दारू आपको यहाँ पे भर के मिलती है। अजरबैजान की खुद की वाइन भी मिलती है, जैसे जॉर्जिया और आर्मेनिया की वाइन भी होती है। वाइन काफ़ी सस्ती है यहाँ पे, आपको जैसे ये वाली हुई, ये हुई 550 रुपये की, और सस्ती 480 कुछ की, और सस्ती भाई 300 रुपये की। ऐसे वाइन्स हैं यहाँ पे सारी। और फिर अपनी शिवा सीगल देख लो भाई, कितने की है, 70 की। इसको मल्टीप्लाई कर दो 50, 48 से, 3500 की, थोड़ी इंडिया से महंगी है विस्की। ये है सारी, ये गर्माइस्टर, ये वाली जेमिसन, ऐसे मिल जाती है। वॉडका भाई, वॉडका यहाँ पे इतनी पीते हैं लोग भाई, वॉडका बहुत पीते हैं यहाँ पे लोग। वॉडका टकीला हर जगह मिल जाएगी आपको। वॉडका देखो भाई, इतनी बड़ी बॉटल 1 लीटर की आपको मिल रही है सिर्फ 550-600 रुपये में। भाई साहब, सारे वॉडका का सिलेक्शन है, ये सारी वॉडका है। देखो और सस्ती 480 रुपये की। और नीचे जाते जाओगे यहाँ पे तो प्लास्टिक की बॉटल में भी वॉडका मिल जाती है। उसके अलावा बियर है भाई, यहाँ पे हर टाइप की बियर मिल जाएगी आपको। ये वाली FS आपको मिल जाएगी 3 की, ये देख रहे हो, ऐसे है सारी वॉडका बियर वाइन सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पे। सुपरमार्केट में और लिकर स्टोर्स में आपको ना सब कुछ मिल जाता है। इंडिया से ना काफ़ी सिमिलर प्राइसेस है। आपको जूस का डब्बा मिल जाएगा 100 का, ऐसा है। फिर देखिए अपना एरियल, ये पड़ा कितना मिलता है, कितने का मिलता है एरियल का पैकेट? ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये का, बट ये बड़ा वाला डब्बा है। यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बहुत पीते हैं, ये है करीबन 60-70 रुपये की। और पानी ना आप टैप वाटर पी सकते हो बाकू में, बट अगर आपने पानी लेना ही है तो 5 लीटर की बॉटल मिलती है करीबन 250 रुपये की, आई थिंक 5 या 8 लीटर की बॉटल मिलती है 250 रुपये की। नहीं तो आप ऐसे छोटी छोटी बॉटल लोगे तो महंगी पड़ेंगी आपको, ये 50 रुपये की एक बॉटल होती है। उसके अलावा भाई शैम्पू, सोप, कंडीशनर अपने सेम प्राइस है इंडिया के, लगभग 200-300 रुपये जो अपने इंडिया में होता है वैसे ही होता है। और ब्रांड्स भी कुछ कुछ सिमिलर है, जैसे ऐसे वाले ना ब्रांड्स ये आपको हर जगह दिख जाएंगे। सुपरमार्केट का प्राइस अपने इंडिया से बहुत सिमिलर है। ये देखो जैसे साबुन की टिक्की हुई, ये तो महंगी है थोड़ी, 100 रुपये की, आपको और सस्ती दिख जाएगी। जैसे ये पामोलिव की 50 रुपये की, तो सिमिलर है भाई। अजरबैजान में ब्रेड बहुत खाते हैं, ये वाली ब्रेड ना आपको हर जगह दिख जाएगी, और ज़्यादा महंगी नहीं होती। ये आधा अजरबैजानी मन्नत से एक मन्नत की होती है ये वाली। और अगर आप ऐसे पैक्ड वाली लोगे तो ये थोड़ी महंगी होती है, ये 60-70 रुपये की होती है। उसके अलावा मैं दिखा दूँ यहाँ पे चिप्स विप्स, यहाँ पे ना ये सनफ्लावर सीड्स बहुत खाते हैं, सेमच की कहते हैं इसको, ये बहुत खाते हैं लोग। ये मिल जाता है पैकेट 50-60 रुपये का, पूरे दिन खाते रहते हैं ये लोग। यहाँ पे चिप्स थोड़े महंगे हैं मेरे हिसाब से, जैसे आपने चिप्स का पैकेट लेना ना, चिप्स बड़े महंगे हैं इन कंट्रीज़ में। ये देखो 150 रुपये का पैकेट है ये चिप्स का। उसके अलावा दिखाऊँ तो भाई कोक वोक मिल जाती है अपनी, कोक महंगी यार, ये चिप्स और कोक पता नहीं महंगी है इन कंट्रीज़ में। ये देखो भाई कितने की हुई है, ऑलमोस्ट 70 रुपये की हुई है इतना बॉटल, ये अपने इंडिया में 40 की मिलती है शायद। चॉकलेट वॉकलेट मिल जाएगी, ये आप किलो के हिसाब से ले सकते हो, ये वाली चॉकलेट ना किलो के हिसाब से ले सकते हो, और जितना लिखा है पे कर सकते हो। जैसे ये किलो के हिसाब से 1500 की है, तो किलो ले जाओ 1500 की। कुछ सस्ती भी होती हैं, जैसे 11 की है, मतलब 500 रुपये पर किलो। और बिस्किट मिल जाते हैं ऐसे अपने, रस्क वस्क भी मिल जाते हैं भाई यहाँ पे अपने। ये ऐसे है, ये जैसे केक हो गया, कितने का हुआ भाई ये 100-125 रुपये का हुआ। चौको पाए, यहाँ पे चौको पाए मिल जाती है डब्बा भाई 250 रुपये का डब्बा। डिस्काउंट भी चलते रहते हैं, सुपरमार्केट डिपेंड करता है, तो आपको हो सकता है सस्ती चीज़ें भी मिल जाएँ कभी कभार। भाई फल भी देख लेते हैं कितने का है। ऑरेंज ये हो गया भाई, महंगा है यहाँ पे 200 रुपये पर किलो। ओह बहुत महंगा हुआ यार ये तो। सेब यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा, लेकिन मैंने देखा था ये 100 रुपये पर किलो था। डिपेंड करता कौन सा सेब है, जैसे ये महंगा है भाई, ये तो बहुत महंगा यार, यहाँ पे फ्रूट बहुत महंगे हैं। ये हो गया 225 रुपये पर किलो, ओह भाई बहुत महंगा है, फ्रूट महंगा है भाई यहाँ पे। ये हैं बड़ी बॉटलें मिल जाती हैं 8 या 10 मन्नत की, 500 रुपये की बड़ी वाली बॉटल मिल जाती है। यहाँ पे लिखा है 7 मन्नत,
350 की ऑलमोस्ट। और पोल्ट्री का सामान, अंडे वंडे, चिकन, अंडे का एक क्रेट आता है शायद ये 2 मन्नत का, मतलब 100 रुपये का 10। चिकन विकन सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, मतलब डेली नीड का सामान हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, कोई दिक्कत होती नहीं है यार। ब्रेड तो दिखा देती है, चीज़ भी दिखा देते हैं। चीज़ और बटर, ना बटर अपना मिलता है 200 रुपये का, और चीज़ भी मिल जाता है वही 200-250 रुपये का, चीज़ भी मिल जाता है बराबर। दूध है, दूध कितने का मिलता है अपना, दूध मिलता है 120 रुपये कुछ का। तो यार मैंने आपको ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, सुपरमार्केट, इधर उधर की काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। खाने का भी बता देता हूँ यार, यहाँ पे खाने की दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यार यहाँ पर आपको यहाँ का खाना मिल जाएगा और अपना इंडियन पाकिस्तानी खाना भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ना सबसे कॉमन चीज़ है डोनर, भाई डोनर आपको हर जगह मिल जाएगा। डोनर एक चिकन शवरमा टाइप होता है, ऐसे ब्रेड में भी आता है, लवाश में भी आता है, जो अलग जैसे रोल टाइप ब्रेड होती है, वो आपको 2-2.5 मन्नत का मिल जाएगा हर जगह। हर जगह वो हो गया 100-120 रुपये का। अगर आप ऐसे 2 या 3 खा लो दिन में तो आपका दिन सेट है। उसके अलावा मैकडोनल्ड्स में मैंने खाया था एक दिन, मैंने पे करा था एक मील के लिए 400 रुपये, अपने हो गए 9 मन्नत के करीब, 400 रुपये के करीब पे करा था मैंने। मील आया था बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। उसके अलावा यार इंडियन पाकिस्तानी खाना खाया था मैंने 2-3 दिन, वो एक पाकिस्तानी भाई हैं वो बनाते हैं, उनका लिंक और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर डाल पाऊंगा तो। और उन्होंने मेरे को 2 परौठे और दही के लिए 5 मन्नत और राजमा चावल के लिए 6 मन्नत। तो ये हो गया खाने का भी। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया भाई, पैसे से लेके ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, खाना, सुपरमार्केट, रहना खाना सब कवर कर लिया भाई। कोई आपके पास सजेशंस हो या फिर एडवाइस हो या फिर कोई फीडबैक हो या कुछ आपको समझ ना आए हो तो भाई आप कमेंट में लिख देना। इतना ही रखते हैं भाई इस वीडियो के लिए, मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। अगली वीडियो में मिलते हैं, वेयर आई विल फ्लाई फ्रॉम बाकू टू अबू धाबी। बाय बाय।